तो अब हम यहाँ पे टेंपल पे वापस आ गए और अब हम यहाँ पे इस बुद्धा की मूर्ति के पास में जाके उसे उस बैल को ऑफरिंग करेंगे, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर टाइम में पीछे चला जाएगा और अपनी मेमोरीज को देख पाएगा। Close your eyes. Hear the bell speak to you. The bell's chime will stir your thoughts. Slumber. तीन साल पहले अब हम पहुंच चुके हैं हिराटा ईस्ट के अंदर, और वो भी टाइम में पीछे 3 साल पहले। यहाँ से हमें वो नया प्रोस्टेटिक टूल मिलेगा जिसका नाम है वो फ्लेम थ्रोवर वाला टूल। देखते क्या होता है। क्रैप स्केल इस गेम की बहुत इम्पोर्टेंट आइटम में से एक है, तो हो सके उतने इकट्ठा करने हैं और इनको वेस्ट नहीं करना है। ये आग के लिए, अगर कोई भी एनिमी आग का इस्तेमाल करता है तो ये आपको बहुत काम आएगा, जिससे आग एकदम आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। और ये ऑयल है, जब हमारे पास वो फ्लेम थ्रोवर का टूल आ जाएगा उसके बाद ये हमारा फ्लेम थ्रोवर की पावर को इनहांस कर देगा। पहले इसको थ्रो करना है और उसके बाद उसके ऊपर फ्लेम थ्रोवर यूज़ करना है।
और यहाँ पे पानी के अंदर मछलियाँ हैं, तो हमें उनको मारना होगा जिससे हमें वो स्केल मिले, क्रैब स्केल। ये मर्चेंट से स्क्रैप स्केल लेके ही ये कोई चीज़ देता है, कोई भी पैसे से आपको ये चीज़ नहीं देगा, तो क्रैप स्केल को बचा के रखना है हमें। इन सभी चीज़ों के अंदर सबसे पहले यही लेना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इसको अगर हम पिएंगे तो हमारे ऊपर जितना भी फायर डैमेज होगा वो डाउन हो जाएगा, मतलब इंक्रीज नहीं हो पाएगा ज़्यादा, और अगर पड़ा भी तो ज़्यादा जल्दी से स्टैक नहीं चढ़ेगा फायर का। बस इस एरिया की रिकवरी हो गई, सारी की सारी चीज़ें ले ली, अब आगे बढ़ते हैं।
और ये रामिक्री काउंटर पूरी गेम में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्किल में से एक है। साग की जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है वो फ्लेम थ्रोवर, फ्लेम बैरियर या बर्नर जो भी लिखा है। तो इसने बताया कि एक टेंपल के अंदर एक एक्स है, मतलब एक प्रोस्टेटिक टूल जो यहाँ पे सीधा जाके लेफ्ट में है, और ये रहा वो टेंपल। Please, don't get angry. I saw that skull so thick.
शिनोबी एक्स ऑफ द मंकी, ये रही उस एक्स की लोकेशन। और ये वही स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमने गेम शुरू की थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम और एक स्किल ओपन कर लेते हैं। अब ये स्किल ऐसी है, कॉम्बैक आर्ट है। तो कॉम्बैक आर्ट का क्या करना है कि स्टार्ट, जब ऑक्शन बटन दबा के कॉम्बैक आर्ट के ऑक्शन ओपन हो गया होगा, उसके अंदर क्लिक करना है एक्स बटन से और सेलेक्ट करना है कॉम्बैक आर्ट। अब हम वापस टेंपल में जाएंगे और अपनी नए टूल्स को फिट करवा लेंगे। The Shinobi appears you've taken to it quite well. Here, this is for. और अब हमें Shinobi Prophetic Tool की भी skill tree मिल चुकी है। What is it? It contains ways to, in other words, fighting techniques. I see. I have, but it seems. अब हमें कोई भी प्रोस्थेटिक टूल को अगर चेंज करना है तो सिर्फ ट्रायंगल दबाना है। जैसे कि आप लेफ्ट साइड के आर्म में देख सकते हैं, अभी शुरिकन है। अब फ्लेम थ्रोवर, अब एक्स, ऐसे होता है चेंज। Don't use that thing around. Cruel.
afraid I made a bit of a blunder. Perhaps the years have finally caught up with me. Ah, don't bother tending to my wounds, no point. It's too late. Wolf, you must take this. This is the key to the secret temple in the estate mansion. You'll find him. The divine heir. Going through the front is not an option. You'll never get past the fire. Yes, sir. Perhaps the cliff's just outside of here. Yes. Return to the estate entrance. You'll look for a side road along the cliffs. Take the back entrance through the cemetery. That's your way in. Understood. Wolf, never forget the Iron Code. Yes. The Master is absolute. Wolf, protect your Master with your life. Father. Head to my left and follow the cliff. If I go through the cemetery, there will be a path to the inner estate. Leave it to me, Father. If anyone's gonna get out, their only choice is to use this cave. Don't let a single rat escape. We'll do those orders. I know. I don't mind at all. I can't stand selfish bastards who leave everyone else behind at the first sign of danger. Thank you.
I know.